हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड साथियों और अदर कंपनी के निवेशक साथियों का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। बाइक बोर्ड की तर्ज पर हुआ फर्जीवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, पूरी न्यूज़ ओला उबर की टैक्सी चालान का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की गई। दोस्तों, ये न्यूज़ 6 नवंबर 2019 की हमारे पास। बाइक बोर्ड की तर्ज पर ओला उबर की तरह NCR में टैक्सी चलाने के नाम पर करोड़ों के फर्जी वाड़े का मामला सामने आया। सोनीपत में पहुंचे 20 लोगों ने शहर के बीचों बीच दफ्तर खोलकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और कई बार शिकायत करने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे खबर है कि पीड़ितों ने अपने मामले में पुलिस अधिकारी से मुलाकात की। SSP ने पीड़ितों की शिकायत पर FIR दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित निवेशकों ने बताया कि वह सोनीपत के ही एक व्यक्ति के माध्यम से B2 थाना क्षेत्र के दफ्तर खोलकर NCR में ओला उबर की तरह टैक्सी चलाने का दावा करने वाली कंपनी के पदाधिकारियों से मिले थे। 26 जनवरी के आरोप में शहर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसमें एक पुलिस अधिकारी को भी बुलाया गया था। आरोपियों ने उन्हें झांसा दिया कि वह निवेशकों से 52,500 रुपये का एक मुफ्त लेकर प्रति माह 10,250 रुपये प्रति माह 12 महीने तक लौटाएंगे। आरोपी के जाल में फंसकर अकेले सोनीपत के ही 100 से अधिक लोग ठगी के शिकार हो गए हैं। पीड़ितों ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अन्य प्रदेशों में या जिलों में पीड़ित फर्जीवाड़े में फंसकर गाड़ी कमाई फंसा चुके हैं। इनकी शिकायत उन्हें थाने को लेकर SSP दफ्तर में की, लेकिन आरोपियों ने कार्रवाई करना नहीं मुनासिब समझा। FIR दर्ज नहीं की गई। सरकारी अनुमति के दस्तावेज दिखाए गए। जी हाँ दोस्तों, पीड़ितों को जब लूटा जा रहा था, उन्हें सरकारी अनुमति के दस्तावेज दिखाए गए। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने अपने कार्यक्रम में एक बड़ी पुलिस अधिकारी को बुला के ओला विभिन्न सरकारी विभागों के अनुमति प्राप्त होने के पत्र को उन्हें दिखाए थे। उनके वह झांसे में आ गए थे। आर्थिक अपराध शाखा को गलत रिपोर्ट देने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, ये गलत रिपोर्ट दी गई पुलिस की तरफ से। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने कुछ दिन पहले SSP से मुलाकात की तो उन्हें आर्थिक अपराध शाखा को जांच में कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें NI Act चेक बाउंस का मामला बताकर रिपोर्ट दी, जबकि यह धोखाधड़ी का मामला, इसकी शिकायत भी उन्होंने आला अधिकारियों से की है। पीड़ितों से मिली जानकारी के मुताबिक यह धोखाधड़ी का मामला है। मामले में FIR दर्ज कराई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा आश्वासन रणवीर सिंह ने दिया है, SP देहात। ये बड़ी न्यूज आपको कैसी लगी? इस न्यूज पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।